हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूस क्रिएटिव वर्ल्ड। और मैं आज चल पड़ी हूँ एक और डेस्टिनेशन की तरफ, एक और ऑफबीट प्लेस की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे वीडियोस ऑफबीट्स नॉर्थ बंगाल के कुछ ऑफबीट प्लेसेस पर आधारित होते हैं, तो इसी तरह से आज मैं आपको एक और ऑफबीट्स प्लेस की खोज में लेके चलूँगी। और ये देखिए, हम लोग का पहला पड़ाव आ गया है, ये है झांडी। हम लोग झांडी से आगे चलने वाले हैं लाभा की तरफ, लेकिन लाभा तक हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे एक न्यू प्लेस जिसका नाम है दारागाँव। तो दारागाँव में क्या है वो मैं दिखाऊंगी। तो ये झांडी में हम लोग थोड़ी देर रुके और आगे की तरफ बढ़ चले। तो कुछ देर आधा एक घंटा चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये है दारागाँव का नज़ारा और ये है हमारा छोटा सा कॉटेज, होम स्टे जिसको कहते हैं। चलिए अंदर देखते हैं कि होम स्टे के अंदर क्या है। यहाँ की सन्नाटे और खामोशी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और अगर आप लोग भीड़ भाड़ से दूर एक अच्छे जगह की तलाश में हैं तो ये जगह आप लोगों के लिए आइडियल है। लेकिन मैं थोड़े दिन पहले गई थी तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लाभा और ऋषभ वगैरह से मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। तो आप लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये थोड़ी गर्मी ये है। ये रूम का नज़ारा है, फुल रूम ऐसा है, एकदम वेल फर्निश्ड वेल मेंटेन्ड रूम है। और यहाँ पे आपको 1200 से 1500 रुपये में रूम मिल जाएगा 2 बेड का। तो ये है टॉयलेट, बाथरूम में लेटेस्ट फिटिंग्स वगैरह है, पानी की यहाँ पे कोई किल्लत नहीं है, एकदम बढ़िया है। और चलिए आगे चलते हैं, बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो खिड़की खोलने के साथ साथ ही आप देख सकते हैं ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा, हरियाली जो आपकी आँखों को बहुत ही ठंडक देगी। मैं तो बहुत खुश थी यहाँ पर पहुँच के। और आगे देखते हैं, चलिए एक और बैल्कनी जैसा है वहाँ पे क्या है वो देखते हैं, बैल्कनी से क्या दिखता है। तो यहाँ देखते ही बैल्कनी में पहुँची तो बैल्कनी में एक छोटा सा टेबल चेयर लगा हुआ है और आप यहाँ पे बैठ के रात के मज़ा ले सकते हैं। मैं इस खामोशी की आवाज़ को दबाना नहीं चाहती थी, इसलिए इस खामोशी की आवाज़ को आपको सुनाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। और आप नज़ारा देख सकते हैं कैसा है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के दूसरे नज़ारे दूसरे साइड्स पर। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है जिसके ऊपर चढ़कर आप पूरे नज़ारे का दृश्य देख सकते हैं। ये है पूरा नज़ारा। इसी तरह की वीडियोस के लिए, ऑफबीट प्लेस के बारे में जानने के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि